मैं रंजना अग्रवाल आज आपको एक हेल्थ कॉन्शियस जूस बनाना बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आप वो देख लें। मैंने एक मीडियम साइज का बीटरूट लिया है, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। दो गाजर ली है, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट ली है। एक टमाटर लिया है मीडियम साइज का। नींबू लिया है, सफ़ेद नमक लिया है 1/4 टेबल स्पून, काला नमक ये भी 1/4 टेबल स्पून लिया है। एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चीनी। बस हमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इसे कैसे बनाएं देखें। अब देखें हैं, अब इसमें जो मैंने ये बीटरूट काट के रखी हुई है इसे डाल दूंगी। इसे डाल दिया मैंने, इसमें बीटरूट डाल दिया। अब मैं इसमें देखिए ये कटे हुए गाजर के पीसेस जो है ये डाल दूंगी, और ये जो मैंने एक टमाटर लिया हुआ है इसे काट के, इसके भी छोटे छोटे पीसेस काट के इसमें डाल दूंगी। अब ये सब मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो है मैंने जो सफ़ेद नमक रखा हुआ है वो डाल दूंगी, और जो चीनी है बस चीनी थोड़ी सी ही देनी है ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इसके डालने से। और इसमें मैंने ये एक गिलास पानी लिया है ये डाल दूंगी। आधे गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें। बस अब इसे बंद करके फुल फ्लेम पे, मैं प्रेशर आने पर मीडियम फ्लेम करके सीटी लगा दी है। उसके बाद ये हमारा इस तरह हो गया। मैं इसे थोड़ा सा इस तरह मैश कर देती हूँ, तो जब मैं इसे छानूंगी तो ये सही रहेगा। बीटरूट के खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें नाइट्रेट बहुत हाई अमाउंट में होता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा बीपी जो है उसको ये कंट्रोल रखता है, लो बीपी को लो रखता है, बढ़ने नहीं देता है। इसमें बीटरूट में फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है। हम कुछ भी खाते हैं तो वो खाने में अच्छे से डाइजेस्ट। इस तरह से एक कपड़े में इस तरह से सारा डाल दिया है। अब इसे इस तरह करके इसे धीरे धीरे प्रेस करूंगी तो ये जितना इसका जूस है वो निकल जाएगा। जो है पूरा छान लिया है। अब इसमें मैंने जो काला नमक लिया है वो डाल दूंगी, गोल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ये डाल दूंगी, और ये मैं देखिए नींबू मैंने इतना काटा है ये नींबू डाल दूंगी। ये जूस जो है थोड़ा सुसुम होना चाहिए, वो ज़्यादा फायदा करता है। देखिए इस तरह मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो ये देखिए ये हमारे इससे जूस तैयार हो गया है। आप इसे हल्का गरम सर्व करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा पीने में। और इसमें जो मैंने गाजर डाली है, गाजर के भी अपने बेनिफिट्स हैं। इसमें विटामिन ए होता है जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो बीटरूट है उसका अगर आप ये वाला जूस अगर आप 1 महीने कंटिन्यू पी लेते हैं तो आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है तो उसकी बहुत अच्छे से ये पूर्ति करता है। आपका आपके जो चेहरे हैं उस चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा इसको पीने से, आप खुद देखेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू पी लेते हैं तो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है बताइएगा, तो मैं वही लेके आऊँगी। थैंक यू।